it's not possible. It's not possible to get 100% out of this drawing, architectural aptitude, and 100% of drawing. Drawing is subjective, right? तो मतलब आपको मैथ्स पे ध्यान देना ही है. अब मैथ्स पे जैसे आपने मतलब थोड़ा बहुत ध्यान दिया, 5-6 क्वेश्चंस कर लिए, तो आपका टारगेट सेट नहीं होता है. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यू नीड टू फोकस इक्वली अपॉन ऑल द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इट. नाउ लकीली द एप्टीट्यूड, द क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड, वी आर वेल वर्स्ड विद इट. Because the kind of practice we have been doing with the help of the PowerPoints and with the help of many such brainstorming sessions where I had been asking you the questions. Again, of course, we'll repeat all those things, the PowerPoints and those questions that I keep on asking you, like a rapid fire round, and you people try to guess the buildings, types of the buildings and the name of the architect. Like that, we will just repeat it once again. But let me tell you that on that part, we have prepared and we have done good. And as compared to NATA, JEE, BRHK, ये जो questions हैं aptitude के, वो काफी आसान रहेंगे. इसमें जो major part है, ये आप सबको पता है कि जो orthographic projection वाला है, top view दे दिया, तो उसका front view guess करना है. इस तरह के जो questions हैं, वो काफी आ रहे हैं. है ना, वो ज्यादा है. तो ये पार्ट आपको प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है, उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है. तो उस प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया था कि हर दिन एक क्वेश्चन पेपर, मैंने आपको बुक्स बताए हुए हैं, उन बुक में से ले करके एक क्वेश्चन पेपर आप हर दिन टाइम बाउंड सॉल्व करो. ठीक है, तो आपका एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस होते रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे पावर पॉइंट्स चालू रहेंगे, उस पे से आपका रिविजन होते जाएगा. ठीक है, लेकिन जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वाला पार्ट है और जो डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस वाला पार्ट है, जिसमें सरफेसेस पूरी खुली हुई है और उसको जब आप बंद करोगे, जैसे एक क्यूब को आपने पूरा खोल दिया, सारे सरफेसेस को, उसको जब आप बंद करोगे तो वो कैसा लगेगा, उस पर 4 ऑप्शंस है. मिरर इमेज पे है, वाटर इमेज पे है ना, और सीक्वेंस एंड सीरीज पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो ये सब चीज आपको अब अपने एंड पे प्रैक्टिस करना है, और उसके लिए no other way is better than simply doing previous year's questions. That would be the smart way of going ahead with the preparations. That too time bound, because the time management also is very important over here. Sometimes it happens, like a few of my students, they have said that ma'am, आपने जो पढ़ाया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं time manage नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, इसलिए गड़बड़ हुआ. तो आपका last moment पे यदि time management सही नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. So the best way is to just go ahead with the question papers.